महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। बीजेपी नेताओं को अजीत पवार नहीं भा रहे हैं और बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बवाल पर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ही नहीं आरएसएस के नेताओं ने भी मान लिया है अजीत पवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप गठबंधन के लिए भारी हैं। बीजेपी में अजीत पवार का विरोध शुरू हो गया है। इसी बीच पवार को एक और झटका लगा। महाराष्ट्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अजीत पवार के घोटाले का जिन फिर से बाहर आ गया। राज्य सहकारी बैंक में हुए कथित 25,000 करोड़ के घोटाले को लेकर ईडी और मुंबई पुलिस आमने सामने आ गई हैं। कोर्ट में घोटाले को लेकर घंटों तक बहस चली है। क्या कुछ हुआ कोर्ट की सुनवाई के दौरान, तो चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल ईओडब्ल्यू ने राज्य सहकारी बैंक में हुए कथित 25,000 करोड़ के घोटाले की क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। ईडी ने इसका विरोध किया और हस्तक्षेप अर्जी फाइल कर दी। ईडी के एक्शन से साफ हो रहा है कि अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल ईओडब्ल्यू ने पहले जब केस दर्ज किया था तो डिप्टी सीएम अजीत पवार को बतौर आरोपी नामजद किया गया था, लेकिन बाद में ईओडब्ल्यू पलट गया और कहा गया कि शीर्ष सहकारी बैंक में कथित घोटाले में कोई नुकसान नहीं हुआ। ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में दाखिल लिखे जवाब में कहा कि ईडी द्वारा इसी तरह की हस्तक्षेप अर्जी पूर्व में सांसदों और विधायकों के मामले में दाखिल की गई थी, जिसे विशेष अदालत खारिज कर चुकी है। केंद्रीय एजेंसी ने उन्हीं बिंदुओं के आधार पर नए सिरे से अर्जी दाखिल की है। खैर, ईओडब्ल्यू की तरफ से मामले की जांच बंद करने की सिफारिश की जा चुकी है, लेकिन ईडी चाहती है कि निष्पक्ष तरीके से जांच शुरू हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बता दें कि कथित घोटाले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू ने सबसे पहले मामले को बंद करने की अर्जी सितंबर 2020 में दाखिल की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार भी कर लिया था। फिलहाल ईडी इस केस की जांच को बंद करने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि ईडी ने ईओडब्ल्यू की दाखिल रिपोर्ट में दखल देने का अनुरोध कर दिया है। बता दें कि एफआईआर में अजीत पवार के अलावा 70 और नाम दाखिल हैं। तो ऐसे में ईडी का एक्शन अजीत पवार की सियासी राह को मुश्किल कर रहा है, क्योंकि मामला आरएसएस के उठाने के कुछ दिनों बाद ही चर्चा में आ गया है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए आरएसएस ने अजीत पवार के गठबंधन को जिम्मेदार बताया था। कहा था कि अजीत पवार पर घोटाले के दाग हैं, इसलिए जनता इस गठबंधन से नाराज है। जैसे ही आरएसएस ने नाराजगी दिखाई, वैसे ही बीजेपी के कुछ नेता भी खुलकर सामने आ गए। एक मीटिंग में तो बीजेपी के पदाधिकारी सुदर्शन चौधरी ने छूटते ही अजीत पवार और एनसीपी को बाहर का रास्ता दिखाने की बात तक कह डाली है। चौधरी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके लिए ये सुझाव है, पार्टी कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं उसे समझिए। अगर आप कोई फैसला लेना चाहते हैं तो महायुति से अजीत पवार को बाहर करिए। तो बीजेपी नेता के इस बयान से सियासी हलकों में कोहराम मच गया है। अजीत पवार गुट तुरंत विरोध प्रदर्शन पर उतर आया, लेकिन अजीत पवार कितना भी शोर मचा ले, एक बात तो तय है कि उनका राजनीतिक भविष्य गर्क में जाता दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।